अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू गैलेक्सी मोबाइल टेक। आज ही हमारे पास वीवो का मॉडल है Y20 और इस पर ये पैटर्न लगा हुआ है, तो आज हमने इसको अनलॉक करना है बगैर किसी पीसी के और बगैर किसी डिवाइस के। ठीक है, तो ये देखिए इस पर जो है वो पैटर्न लगा हुआ है, तो हमने इसको अनलॉक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने इसको ऑफ़ कर लेना है। ये हम इसको ऑफ़ करेंगे, ये पावर की है इसकी, इसको प्रेस करके इसको हमने ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद क्या करना होगा कि वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करके हमने रिकवरी मोड में जाना है। ये इसका वॉल्यूम अप बटन है, वॉल्यूम अप और ये पावर की, दोनों हमने एक साथ प्रेस करने हैं। और जैसे ही हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे रिकवरी मोड जो है वो आ जाएगा। देखिए ये रिकवरी मोड पे आ गया है, तो हमने वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रिकवरी मोड पे आ जाना है और पावर की से उसको जो है वो रिकवरी मोड में एंटर हो जाना है। तो ये हमने वॉल्यूम डाउन प्रेस किया, ये रिकवरी मोड पे आ गए, ब्लू इस पे शो हो रहा है, तो हमने जो अभी पावर की प्रेस करके एंटर हो जाना है इसमें। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होके ये रिकवरी मोड पे चला जाएगा। तो ये देखें हम आ गए रिकवरी मोड पे। यहाँ से हमने क्या करना है, क्लियर डेटा करना है। ये क्लियर डेटा पे क्लिक किया हमने, एक मिनट, ये क्लियर डेटा है, इस पे हमने क्लिक करना है और ये सेकंड पे क्लियर ऑल डेटा, और इसको जो है हमने ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो ये पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट होगी। इससे जो है आपका पासवर्ड जो है वो, चाहे पासवर्ड हो चाहे पैटर्न हो, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फिर दोबारा रिटर्न आ जाना है, ये बैक आ जाना है और यहाँ से जो है वो रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये रीस्टार्ट हमने ओके, तो ये जो है मोबाइल ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे ये स्टार्ट होगा। तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट सब्र करना है इसके ऑन होने तक का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ये आपको समझ आए कि हमने कैसे इसको अनलॉक किया है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको जो है वो कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, और इसमें जो है वो स्किप करते हैं, काफ़ी लोग जो है वो स्किप करके आगे तो चले जाते हैं बट उसमें ये कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मिस कर देते हैं, फिर दोबारा उसके लिए जो है वो पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ती है। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम इसको जो है वो रिस्टार्ट करेंगे, अभी जैसे ये ऑन हो जाएगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका गूगल अकाउंट लगा होगा इस पर पहले, तो आप जब तक वो अकाउंट इस पर नहीं लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगा, मतलब वो बीच में स्टक हो जाएगा। तो इसमें या तो आपको पैटर्न याद होना चाहिए या फिर जो आपने गूगल अकाउंट लगाया है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको दोनों चीज़ें याद नहीं हैं तो फिर आप इसको जो है वो FRP के थ्रू जो है वो अनलॉक करेंगे। इसका जो FRP अकाउंट जो होगा वो इसको जो है वो बाईपास करके अनलॉक करना होगा। तो अभी ये जैसे स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा इसका तरीका कि ये इसको कैसे अनलॉक करेंगे। तो अभी ये जो है हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये स्टार्ट किया हमने, ये फिर नेक्स्ट, और फिर यहाँ से नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, फिर यहाँ से ये नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने क्या करना है, वाईफाई के साथ जो है वो अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेना है। आपके पास जो है वो नेट का होना ज़रूरी है, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो किसी भी मोबाइल का जो है वो हॉटस्पॉट जो है वो ऑन करके इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है,
मतलब ये खुद ही जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इसमें जो है वो आगे जाके या तो आपसे जो है वो पैटर्न मांगेगा या फिर जो आपका गूगल अकाउंट होगा वो आपने लगाना होगा। अगर आपके पास, अगर आपको जो है वो पैटर्न याद है तो वो लगाना है, अगर पैटर्न याद नहीं है तो जो जीमेल अकाउंट आपने लगाया था प्ले स्टोर पे तो वो आपने लगाना है। अगर वो भी याद नहीं है तो फिर इसको जो है वो बाईपास करना है। तो अभी जो है मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये अगर आपका गूगल अकाउंट लगा होगा तो आपके पास ये किस तरह शो होगा और आपको कैसे जो है वो इसको अनलॉक करना है। वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसको जो है वो नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से और फिर ये कॉपी ना करें और ये जो है वो नेक्स्ट मालूमात आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न मांग रहा है। अगर आपको पैटर्न याद है तो यहाँ से पैटर्न लगा के हमने सिंपली जो है वो इसको अनलॉक करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक करके हमने गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे वो अकाउंट मांगेगा जो हमने पहले इस पे लगाया था प्ले स्टोर पे। और अगर हमें वो याद नहीं है तो हमने बैक कर लेना है। ठीक है, तो ये हम आ गए बैक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे जो है हमने बैक आ जाना है, बिल्कुल कम्प्लीटली बैक। ठीक है, तो यहाँ से हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट और इसको बैक प्रेस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे तमाम नेटवर्क पे क्लिक करके यहाँ से, और ये जो है वो कनेक्ट होना चाहिए नेट के साथ। ठीक है, अब ये न्यू नेटवर्क और यहाँ पे जो है वो न्यू नेटवर्क ऐड करना है। यहाँ पे तो नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेस करना है और ज़बान की तरतीबात पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके और नीचे आ जाना है हमने उर्दू पे, और उर्दू पे आके यहाँ पे क्लिक करना है और ये थ्री डॉट में जाके सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और ये यहाँ पे हमने एक्सेस फॉर एंड्रॉयड क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो ओपन हो जाएगी, वीडियो को प्ले करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर जो है हमें लिंक आएगा, इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब पे आ गए हम और इस वीडियो को जो है हमने नीचे करके यहाँ पे अकाउंट पे जाना है और ये अबाउट सेटिंग में जाके ये तफसीलात में जाना है और ये थर्ड ऑप्शन जो है वो यूट्यूब की सर्विस की शराइत, इस पर क्लिक करके यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सर्च करना है VN ROM। ठीक है, VN ROM इसको सर्च कर लेना है। जैसे इसको सर्च करेंगे ये फर्स्ट पे ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये सेटिंग का जो ऑप्शन है, सेटिंग वाली ऐप जो है वो इस पर क्लिक करना है। ये जो सेटिंग है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट जो है वो सेटिंग्स में आ जाएंगे। ये सेटिंग में आने के बाद ही हमने सिस्टम में जाना है, फिर ये ज़बान सेकंड वाला जो है हमने यहाँ पे क्लिक करना है और ये बस ज़बान पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने जो है वो लैंग्वेज जो है वो ऐड कर लेनी है, इंग्लिश और ये यूनाइटेड स्टेट, और इसको ये प्रेस करके इसको फर्स्ट पे ले जाना है और ये हमने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो है हम फर्स्ट मेथड जो है वो इसका अप्लाई करेंगे FRP अनलॉक करने के लिए। ठीक है, और वो क्या है, हमने सेटिंग में जाना है, सॉरी सेटिंग कह रहा हूँ, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में आने के बाद हमने नीचे आना है
ये ऐप पिनिंग जो है वो इसको ऑन करना है। पहले इसको ऑन करते थे तो यहाँ पे ये जो है वो पैटर्न मांगता था, पैटर्न हम नया यहाँ पे लगा के सिंपली जो है वो बैक जाके इसको अनलॉक कर लेते थे इजीली, बट ये अभी जो है वो वर्क नहीं करता। ठीक है, ये वाला मेथड जो है वो वर्क नहीं करता। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है वो बैक चले जाना है। ये बैक आ गए हम, और ये शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और नीचे ये एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और उसके बाद जो है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू जो है वो ऑन कर लेना है। ठीक है, इसको यहाँ से अलाउ करना है। गॉट इट। ये देखें राइट कॉर्नर पे ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो अब जो है हमने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद ये हमने एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाके सी ऑल एप्स इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने एंड्रॉयड ऐप जो है वो एंड्रॉयड सेटअप जो है वो इसको ऑफ कर लेना है, मीन के फोर्सली स्टॉप करना है इसको। ये आ गए हम, ये आ गया, तो इस पर क्लिक करके ये फोर्सली स्टॉप ओके। फिर ये बैक आके हमने गूगल प्ले सर्विस डिसेबल कर देना है, और जैसे ये डिसेबल हो जाएगा उसके बाद हमने जो है वो बैक आ जाना है। ये कम्प्लीटली बैक आ जाएंगे हम वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बैक आ गए हम, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये नेक्स्ट, फिर ये एग्री। और यहाँ से डोंट कॉपी, और यहाँ से जो है हमने बैक पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, बैक बटन पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सेटअप ऑफलाइन, यहाँ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। ये नेक्स्ट, ये स्किप कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। ये हो गया डन हमारा। तो इस तरह आपके पास अगर Vivo Y20 है आपके पास, तो इसी मेथड के थ्रू जो है वो आप इसको अनलॉक कर सकते हो। तो ये देखें जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अनलॉक हो चुका है ये। अब हम जो है वो इसकी सेटिंग में जाके मैं आपको इसका मॉडल वगैरह दिखा देता हूँ। ये हम इसमें अबाउट फ़ोन में चले गए। ठीक है, तो ये देखें ये कम्प्लीट जो है वो अनलॉक हो चुका है। तो इसी मेथड के थ्रू जो है आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।